हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे 36 साइज चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और सिलाई बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। इस ब्लाउज को मैं फ्रंट ओपन में बना रही हूँ, यानी आगे हुकाई का पट्टी रहेगा, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैम आप आगे हुकाई पट्टी वाला प्रिंसेस कट बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इसको पूरा डिटेल में समझाई हूँ। सबसे पहले अस्तर को आपको डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि किसी भी ब्लाउज की कटिंग पहले अस्तर पर करते हैं, अगर अस्तर वाला ब्लाउज हो तो। तो यहाँ पे देखिए, अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। आप जिस साइज़ का बना रहे हो उस हिसाब से फोल्ड कीजिए। मैं 11 इंच में इसको फोल्ड की हूँ, क्योंकि 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। नीचे से 1 इंच पे बिल्कुल एक सीधा लाइन बना लेंगे। सबसे पहले पीछे के पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, तो उस लाइन के बाद जितना तैयार आपको ब्लाउज का लंबाई रखना उतने पे मार्क कर लेना है। तो मैं 13 इंच इसका लंबाई ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 13 इंच तैयार रखना है 1 इंच छोड़ के। नीचे से 1 इंच मार्जिन तो पहले ही ले लिए हैं। अब शोल्डर यहाँ से 5.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि डीप नेक में हमारा यहाँ पे ब्लाउज है। नीचे भी 5.5 पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की लंबाई कितना ले लेंगे, 5.25 इंच ले लेंगे। देखिए 5 इंच, और जो छोटा छोटा दो लाइन रहता है टेप में, बस उतना, दो पॉइंट, तो इतने पर ले लेंगे। अब सीने का चौथाई भाग 9 इंच और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अगर आप 34 साइज का बना रहे हैं तो आप 8.5 इंच सीने का चौथाई भाग लीजिएगा, और शोल्डर उतना ही रहेगा, आर्म होल भी उतना ही रहेगा। कमर का चौथाई भाग 7.5 इंच और 1 इंच कमर के प्लेट के लिए, और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब आर्म होल में, पीछे के आर्म होल में आपको गोलाई कितने पे देना है, 1 इंच 2 सूता पे। यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे नहीं देना है। कितने लोग बताते हैं कि 1.5 इंच पे आप गोलाई दो, तो 1.5 इंच पे गोलाई देने पे यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है, जिसकी वजह से पीछे की साइड भी ना कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। देखिए, पीछे के पल्ले को तो यहाँ पर हम कट कर लिए हैं, बाकी कपड़े को ना आपको 2 से 3 इंच बढ़ा के फोल्ड करना है। देखिए, यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है कपड़े को, क्योंकि आगे के साइड में प्रिंसेस कट में कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, चौड़ाई और लंबाई दोनों में। नीचे से 1/2 इंच पे एक सीधी लाइन बना लेंगे, और नीचे 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। साइड में आपको एक चाप, जितना मशीन का एक साइड का चाप होता है, उतने पर एक सीधा लाइन बनाएंगे। इतना कपड़ा हमारा हुकाई पट्टी ज्वाइंट में जाएगा, क्योंकि आगे साइड हम हुकाई पट्टी ज्वाइंट करने वाले हैं। अब देखिए, नीचे से 1/2 इंच और साइड से एक चाप छोड़ते हुए पीछे के पल्ले को एकदम अच्छे से सेट कर लेना है, दोनों का फोल्डेड यानी बंद भाग एक तरफ मिलाते हुए। अब यहाँ से देखिए, पीछे के पल्ले को पहले इसके ऊपर कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल इसके बराबर से पहले मार्क करेंगे। उसके बाद से मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ आपको कितना चेंजेस करना है। ये तो हो गया, नीचे से 1/2 इंच लंबाई बढ़ गया और पीछे के पल्ले को एकदम एग्जिट मार्किंग कर लिए। अब 1 इंच ऊपर के साइड बढ़ा लेना है और 1.5 इंच नीचे के साइड। ऊपर के साइड कोई भी साइज हो, ऊपर के साइड आपको 1 इंच ही बढ़ाना होता है, पर नीचे के साइड 32, 34, 36 तीनों साइज में आप 1.5 इंच ले सकते हो कमर के साइड। पर अगर इससे हैवी साइज है 36, 38, 40, तो आप 2 इंच लीजिएगा। आर्म होल में भी थोड़ा सा गहराई दे देंगे आगे के पल्ले में, और यहाँ से ना देखिए ये मार्किंग हो गया। अब 3 इंच गले की चौड़ाई ले लेंगे, और गला का लंबाई यहाँ पे हम 7.5 इंच में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वीट हार्ट गला का शेप देना है मुझे, वी टाइप का जो पान गला आता है उसका शेप देना है। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे, और यहाँ पे चाकोर बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर से 2.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे, और 3 इंच के दूरी से यहाँ पे शेप देंगे। तो गले में देखिए सेफ दे दिए हैं, और यहाँ से टक्स पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे टक्स पॉइंट 36 साइज के लिए आपको 9.5 इंच लेना है, और 34 साइज के लिए 9 इंच 2 सूता लेना है। इसी तरह से अगर 36 साइज से बड़ा साइज है, 2 पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा। बंद भाग से इसकी दूरी 4 इंच ले लेंगे मार्जिन के साथ 36 साइज के लिए, और नीचे 3.5 इंच ले लेंगे। अगर आपको आगे हुकाई पट्टी नहीं बनाना है तो आप 3 इंच 4 इंच में 2 सूता कम लीजिएगा। 1.5 इंच जो साइड में बढ़ाए थे उसको मार्क कर लेंगे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन बनाएंगे 2 इंच तक, और आपको यहाँ पे सेप दे देना है। पहले इसको कट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ना एकदम अच्छे से ध्यान देना है कि बंद भाग से ना इसकी दूरी 4 इंच कब रखना है, जब आगे हुकाई की पट्टी बन रहा हो। अगर आगे हुकाई की पट्टी आप नहीं बना रहे हो, तो जो एक चाप मार्किंग किए थे उसको आपको कम कर लेना है।
अब यहाँ पे देखिए हल्का सा घुमाव देते हुए, अब टक्स पॉइंट के पास से ना घुमाव देते हुए जो 1.5 इंच की दूरी पर मार्किंग किए थे उसमें मिला लेंगे। तो इस तरह से आप 36 साइज ब्लाउज का सेप दे सकते हो। अगर 34 साइज का भी आप बनाना चाहते हैं तो बस दो दो सूता टक्स पॉइंट और फोल्डेड साइड की दूरी आपको कम कर लेना है। अपना भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, अगर साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है तो थोड़ा सा दो दो पॉइंट ज़्यादा कर लीजिए, एक साइज कम है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। अब यहाँ से ना अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। आगे के पल्ले की कटिंग हो गई है, पीछे के पल्ले का भी कटिंग पहले ही हम कर लिए हैं। गला को भी यहाँ से कट कर लेना है, मैं पीछे की साइड नॉर्मल गोल गला बना रही हूँ। अब यहाँ से मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो मेन कपड़े को आपको एक साइड से डबल फोल्ड कर लेना है। आपको ध्यान देना कि आपका मेन कपड़ा किस टाइप से दिया हुआ है। अगर दोनों साइड बॉर्डर है तो पीछे का पल्ला एक साइड से आप कट कर लो, एक साइड से बॉर्डर बाजू पर आना चाहिए। देखिए अब बचे हुए कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड करेंगे और आगे के पल्ले को इसके ऊपर रख लेंगे। बंद भाग की तरफ रखना है मेन कपड़ा और अस्तर दोनों का, और यहाँ से हाफ हाफ इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बाजू हम बाद में कट कर लेंगे, हम प्रिंसेस कट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। यहाँ पे हम सिलाई मशीन पे आ गए हैं और मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रख के सिंपली चारों तरफ सिलाई लगा करके सेट कर लेना है। एक चीज़ आपको और ध्यान देना, अगर आपको पेपर पेस्टिंग गले पर नहीं यूज करना है तो गला आप अभी कट कर लीजिए, और जो मैं उल्टे साइड रख के सिल रही हूँ आप सीधे साइड रख के गले को सिल के पलट लीजिए। तो मैं यहाँ पे गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग यूज करने वाली हूँ, इसकी वजह से मेन कपड़े के उल्टे साइड रख के चारों तरफ से चिपका लेंगे अस्तर को सिलाई से। देखिए अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना आपको मेन कपड़े में का, उसको आपको छांट लेना है, क्योंकि मेन कटिंग जो होता है अस्तर के ऊपर ही हम करते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेते हैं मेन कपड़े में का ताकि इसको चिपकाने में आसानी हो। चारों तरफ से कपड़े को छांटने के बाद से अब जो साइड का पार्ट होता है ना उसको भी सिंपली मेन कपड़े के उल्टे साइड रख के और चारों तरफ सिलाई लगा करके पहले उसको फिक्स कर लें और एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लें। देखिए दोनों साइड का सेम इसी तरह से चिपका के छांट लेंगे कपड़े को। अब यहाँ पे सेंटर पार्ट को लेंगे और जो गला का मार्किंग इसके ऊपर किए हैं ना, बस उसी मार्किंग को आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर करना है। यहाँ पे पहले डबल फोल्ड करके रखेंगे और उसके बाद से इसको सिंगल कर लेना है, बीच से आपको आधे हाथ पे कर लेना है। और जो मार्किंग आपको अंदर की साइड दिख रहा है ना, बस उसी मार्किंग को पेपर पेस्टिंग के ऊपर अच्छे से डार्क कर लेना है। अब इसको बीच से फोल्ड करके कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से और साइड में 1 इंच छोड़ते हुए उसको भी कट कर लेंगे और यहाँ पे अस्तर के कपड़े के ऊपर रख के इसको प्रेस से चिपका लेंगे। जब कभी भी पेपर पेस्टिंग आप प्रेस से चिपकाओ तो जो उसका चमक वाला पार्ट होता है, जिस पे लाइट होता है, वो नीचे के साइड होना चाहिए, तभी वो कपड़े में चिपकेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फेविक्यू रहता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेंटर पार्ट लेंगे, बीच में कट लगाएंगे और नीचे की साइड ना एकदम आधे हाथ से आपको फोल्ड करना है। नीचे की साइड बीच में निशान बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए सेंटर पर कट लगाएंगे और ऊपर का जो कट है, दोनों कट को आप मिलाएंगे तो बिल्कुल बीच में आपका गला बनेगा, और नीचे के जो गला का नोक है और सेंटर पॉइंट पर का जो लाइन बना है, दोनों को आपको एकदम एक पे रखना है और सेंटर में एक सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो पिन से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से ना आपको सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी है, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग को चिपकाते हुए ना सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद से ना अंदर का जो कपड़ा है उसको छांट लेंगे और चारों तरफ छोटा छोटा कट लगा देंगे। कोने पर आपको फिनिशिंग से कट लगाना है ताकि अच्छे से कोना उभर के आए। नाखून से प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरह से अच्छे से बैठा लेंगे। और नाखून से बैठाने के बाद से अब पट्टी को हम अंदर की साइड सेट कर लेंगे। अंदर की साइड पट्टी को सेट करने के बाद से ना गले के ऊपर आपको फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पे गले को सेट करने के बाद से ना, अगर आप पीछे हुकाई पट्टी बनाना चाहते हैं तो बैक में बनाइए, पर मुझे आगे हुकाई पट्टी बनाना है तो इसको कट कर लेंगे बीच से। बीचों बीच से कट करने के बाद से एक साइड हम कॉटन की पट्टी यानी अस्तर वाली पट्टी सिलते हैं, तो इस पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं। और इस पट्टी को जब कॉटन की पट्टी आप ज्वाइंट करो तो उसको सीधे साइड से सिल के अंदर के साइड फोल्ड करना होता है। तो देखिए मैं इसको सीधे साइड से सिल ली हूँ, और एक बार बाहर के साइड करके सिलाई लगाने के वास्ते ना गले के साइड आपको 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। उसी को देखिए मैं फोल्ड करके यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। तो एक साइड यहाँ पे ना हुकाई का जो पट्टी होता है ना, जो कॉटन की पट्टी होती है, उसको ज्वाइंट कर लिए हैं। और अब दूसरे साइड पट्टी ज्वाइंट करेंगे, तो दूसरे साइड मेन कपड़े का पट्टी ज्वाइंट करना होता है। जो पट्टी साइड में बढ़ा रहता है वो बाहर की साइड दिखता है। तो यहाँ पे मेन कपड़ा थोड़ा सा पतला था, तो अस्तर भी इसके साथ हम अटैच कर लिए हैं और एक साइड से इसको फोल्ड कर लिए हैं। देखिए जो फोल्डेड भाग है पट्टी का वो गले के साइड रहेगा, और यहाँ पे पट्टी को आपको नीचे रखना है और ऊपर सीधा साइड होना चाहिए ब्लाउज का। तो नीचे से इस पट्टी को सिल के ना ऊपर के साइड फोल्ड कर लेंगे। अब डबल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। दोनों साइड हुकाई की पट्टी ज्वाइंट करने के बाद से एक दोनों को एक के ऊपर रख के चेक करना है। थोड़ा सा जो बड़ा छोटा है उसको बराबर कर लेना है। और अब साइड का जो पार्ट होता है प्रिंसेस कट का, उसको लेंगे। और कभी भी आप प्रिंसेस कट का पार्ट ज्वाइंट करो ना, किसी भी टाइप का प्रिंसेस कट हो, आप नीचे से ज्वाइंट करके ऊपर तक जाना है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा होने लगता है, कोई पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। तो आर्म होल साइड ना, अगर एक चाप बड़ा छोटा होगा तो आप उसको छांट के कवर कर सकते हो, लेकिन नीचे के साइड कम ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसको आप सेट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोनों एकदम बराबर आ रहा है। अब दूसरे साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो जब कभी भी आप प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट करो ना, तो जो पार्ट ना थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा है ना, उसको थोड़ा सा लूज कर दो, जो छोटा लग रहा है उसको हल्का सा खींचो। इस तरह से ना आपका प्रिंसेस कट वाला पार्ट ना एकदम बराबर होगा, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगा। क्या होता है, जो विगनर्स हैं ना, ज़्यादा किसी पार्ट को खींच देते हैं, किसी को लूजिंग दे देते हैं, तो उसमें कम ज़्यादा हो जाता है। दोनों को चेक करने के बाद से फिर से एक बार कपड़े को अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा सा भी कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको आपको ज़रूर से बराबर कर लेना है। देखिए दोनों एकदम इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो कॉटन की पट्टी है और इस पट्टी को ना 1/2 इंच आपको बढ़ा के रखना है, हुकाई पट्टी की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे। और जो प्रिंसेस कट का सिलाई है, दोनों कपड़ा दोनों साइड बांट लेना है आपको। अब पट्टी को बाहर के साइड करके इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है पट्टी में ना, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, यहाँ से उल्टा करके इसको डबल फोल्ड करके सिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप सिलाई लगा रहे हो ना, बड़ी वाली सिलाई लगाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करना होता है। और तुरपाई करने के बाद से इसको सिलाई को निकालने में आपको आसानी होगी, आप बड़ी वाली सिलाई लगा रहे हो तो। अब यहाँ से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर के साइड फोल्ड करके सेट कर लेंगे। एक साइड का तो कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरे साइड का भी कर लेना है। तो देखिए दूसरे साइड भी ना कमर पट्टी ज्वाइंट करके अच्छे से सेट कर लिए हैं। दोनों साइड कमर पट्टी ज्वाइंट करने के बाद से अब आपको आर्म होल को भी चेक कर लेना है। यहाँ पे ना पीछे के पल्ले से मिला लेना है, अगर कम ज़्यादा हो रहा है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छटाई कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमारा ब्लाउज अब कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। अगर आप 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का कटिंग सिलाई देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से के देख सकते हैं। 4 टक्स ब्लाउज भी मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताई हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए।